आज 10 अक्टूबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की खबरें हैं उसमें एपीपी ने पोस्ट की है एक खबर के एचईसी और प्यास ने मिलके 14 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया है जो कि नोबेल लॉरेट्स की मीटिंग्स 2020 में जो होनी है उसको अटेंड करेंगे। इसमें 300 एप्लीकेशंस आई थी, 50 एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 10 उनमें से सिलेक्ट किए गए। उसके बाद ये डेली टाइम्स की ये खबर है कि जो पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन है वो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीम एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप स्कीम के नाम से एचईसी को साथ रखते हुए अनाउंस कर रहे हैं। देन ये जो उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पे खबर है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उन्होंने विजिट किया और उनके साथ जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनकी मीटिंग वगैरह हुई। उसके बाद ये एमओयू साइन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और जो हेनान नॉर्मल यूनिवर्सिटी चाइना है और उनकी जो एमओयू के मुताबिक फिफ्थ कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है वो सरगोधा में ओपन किया जाएगा। इससे पहले बाकी यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये ओपन कर चुके हैं। देन फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में जो है 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई इंटरफेथ डायलॉग पे और ट्रिब्यून ने यह खबर पब्लिश की है और इसमें 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में जो मेजर एम था कि अंडरस्टैंड किया जाए डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी के जो फिलासफी आइडियाज़ हैं उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको। उसके बाद ये सच टीवी की वेबसाइट पे खबर है कि पाकिस्तान तुर्की मिलके जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म पे बनाएंगे। हमारे जो मिनिस्टर एजुकेशन है वो तुर्की में गए थे और वहाँ पर ये एक तरह से एग्रीमेंट हुआ है। देन मीडिया यूनिवर्सिटी की जो खबर है ये dnd.com.pk पे फिरदोस आशिक ऐवान ने ये अनाउंस किया है कि मीडिया यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी जिससे यूथ की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है और जो स्पेशली मीडिया पर्सन्स को प्रोफेशनली साउंड ट्रेनिंग दी जाएगी।